इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। एक खबर सबसे ज्यादा कष्ट कर रही है और वो है सऊदी अरेबिया ने तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी और इस खबर को तकरीबन भारतीय मीडिया ने बहुत ही मसर्रत का इजहार करते हुए शाया भी किया। कई अखबारों ने तो इसे बतौर सुर्खी लगाई। खैर आपको यह सुनकर कुछ ताज्जुब होगा कि दरअसल इस खबर को भारत की ही गोदी मीडिया ने बड़ा चढ़ाकर पेश किया। दरअसल ये तबलीगी जमात पर पाबंदी नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने कि तबलीगी जमात पर पाबंदी नहीं है, बल्कि साउथ अफ्रीका की जमात है जो तबलीग और दावा का काम करती है, जिसका नाम अल अहबाब है। इस पर सऊदी हुकूमत ने पाबंदी लगाते हुए कहा है कि अगले जुमा से पहले किसी तरह मस्जिदों से इन्हें खाली कराया जाए। और शायद ये सुनकर भारत के ही कुछ तबलीगी जमात वालों को ताज्जुब लगेगा, क्योंकि आज भी सभी यही समझ बैठे हैं कि तबलीग जमात पर सऊदी हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है। अभी तक वैसे तबलीगी जमात के जिम्मेदारान की जानिब से ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया, लेकिन तबलीग जमात के जो अपने आप को अमीर कहते हैं इन्हें भी खबर नहीं है कि असल खबर क्या है, जबकि यह खुद भी तबलीगी जमात पर पाबंदी की बात करते देखे जा रहे हैं। दरअसल साउथ अफ्रीका का अल अहबाब के बारे में हुकूमत ने कहा है और इसको सऊदी के ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने बताया भी है। आप एक बार फिर ट्विटर अकाउंट को गौर से पढ़े, लिहाजा इसमें तबलीग और दावा जिसका ताल्लुक अल अहबाब से होने की बात सामने आ रही है। आप सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि फिर खबर को तमाम नेशनल मीडिया ने कवर किया, यकीनन इसमें लफ्ज तबलीग इस्तेमाल हुआ है और जाहिर है तबलीगी जमात दुनिया की सबसे बड़ी जमात के तौर पर देखा जाता है। ये और बात है कि अब इसमें खुलूस के साथ काम करने वालों की तादाद दिन ब दिन घटती जा रही है। फिर बेंगलोर दिल्ली का झगड़ा भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, फिर कुछ दिगर मसलक के मुसलमानों को भी खुशी का इजहार करते हुए देखा जा रहा है। बेंगलोर दिल्ली में भी अमीर बनने को लेकर झगड़े चल रहे हैं, ऐसी भी इत्तला हासिल है। इसके बावजूद भी आज भी तबलीगी जमात इज्तिमाई तौर पर एक बड़ी जमात के नजर से ही देखा जाता है। तबलीगी जमात पर पाबंदी की खबर को बतौर प्रोपेगंडा भारत की मीडिया ने इसे खूब फैलाया। गूगल पर देखेंगे तो आपको भारत की ही मीडिया को ज्यादातर तबलीग जमात को लेकर खबरों को चलाते देख सकते हैं। एबीपी न्यूज, आज तक से लेकर दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर तक के अखबारों ने इसी खबर को बड़ा चढ़ाकर पेश किया हुआ है। सऊदी अरब ने कहा कि तबलीगी जमात को आतंक का दरवाजा वगैरह सुर्खियां लगाई। ताज्जुब तो इस बात पर भी लगता है कि खुद तबलीगी जमात कुछ कहने को तैयार नहीं है। वही दारुल उलूम देवबंद जैसे मदरसों ने सऊदी के इस फैसले की मजम्मत करते हैं के बयानात दिए। इससे एक बात और जाहिर होती है कि किस कदर प्रोपोगंडा वार भाजपाई संघी और गोदी मीडिया की जानिब से खेला जा रहा है। इसमें मुसलमान किस इंतहा तक पीछे हैं, किसी बात की तस्दीक करने का कोई आला हमारे पास नहीं है। यहूदी और दज्जाली मीडिया जिस कदर झूठ फैलाते हैं इसका हम शिकार हो जाते हैं। इससे मुस्लिम माशरा तमाम जंगी हरबों में नाकाम साबित होता दिखाई देता है। खासकर अगर प्रोपोगंडा वार को लिया जाए, इनके प्रोपोगंडा की जंग आज पूरी दुनिया में इस्लाम मुसलमान को लेकर चला जा रहा है। क्या मुसलमानों के पास किसी चीज की कमी है? जब तमाम असबाब हमारे पास भी मौजूद है तो हमने क्या इन तमाम असबाब को अय्याशी ज़हनी मज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? बहुत छोटी सोच के साथ मुसलमान जी रहा है। यह प्रोपोगंडा इसलिए किया जा रहा है ताकि भारत में जो सबसे बड़ी जमात के तौर पर तबलीग जमात है इस पर पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि दुनिया के अक्सर मुल्कों से दिल्ली निजामुद्दीन लोग आते जाते रहते हैं। जाहिर है इसी पस मंजर में कोरोना के दौर में जानबूझकर मुस्लिम समाज को निशाना बनाने के लिए भारत में कोरोना तबलीगी जमात से फैलने की बात को बतौर प्रोपोगंडा फैलाया गया। बाद में इसे अदालत ने भी खारिज किया, लेकिन यह भी देखा जाता है कि तमाम प्रोपेगंडा फैलाने के बाद आखिर में यह गलत था कहते हुए अपनी बात को वाज़ा करते हैं। और अक्सर यह भी देखा जा रहा है कि फसादात होते हैं, एक समाज को निशाना बना जाता है, फिर सब कुछ खत्म होने के बाद अदालत अपना फैसला सुनाता है। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी आरएसएस के इशारे पर काम करने के इल्जाम साबिक चीफ जस्टिसों ने बारहा लगाते हुए देखा गया। बाबरी मस्जिद फैसले पर जस्टिस मार्कंडेय काटजू हो या जस्टिस सावंत ने एतराजात दर्ज किए थे। फैसला देने वाले जस्टिस गंगोई को भाजपा की जानिब से राज्यसभा का रुकन भी बनाया गया था। मतलब यह है कि प्रोपेगंडा जिस तरह झूठ की बुनियाद पर बनाया जाता है, इसका जवाब ना तो हमने कभी देने की कोशिश की है और ना ही इसे हमने समझने की कोशिश की है। आज भी जब इस माशरे के वजूद पर सवाल उठाए जाते हैं, बारह मुसलमानों को बाहर निकालने की बातें कही जाती है, पर अभी तक हमारे आपसी इख्तलाफात खत्म होने को तैयार नहीं। महज तबलीगी जमात पर पाबंदी की खबर पर दिगर मसलक वालों में भी मसर्रत का इजहार करने की खबर हासिल हुई है। इसे बेशर्मी ही कह सकते हैं। खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की ना होगी, क्योंकि सभी का नंबर आने वाला है।
कोई बचने वाला नहीं है। क्या मालूम कि आने वाले दिन कितने सख्त आने वाले हैं। जैसा कि पेशगोईयां कहती है कि ईमान को बचाना बहुत मुश्किल होगा, हाथ में जलता हुआ अंगारा थामने के बराबर बताया गया। आखिर उन फितनों की कितनी तैयारियां की है हमने। हर कोई अपनी जमात को सही ठहराए। कुछ मौलानाओं ने तो महज आपस से इख्तलाफात फैलाने के कुछ किया ही नहीं है, वरना इतनी नफरत कहां से आती है। कोई भी किसी भी मसलक का हो, लेकिन बजरंग दल आरएसएस से ज्यादा हमारी आपसी नफरत से मुसलमानों का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, ऐसा कहना गलत ना होगा। वरना तो पिछले 70 साल में अल्लाह ने बहुत मौके दिए थे, लेकिन एक दूसरे को काफिर साबित करने के हमने किया क्या है। इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। अगर इल्मी दानिशोरों को जिम्मेदार ठहराओगे तो इनके भक्त नाराज हो जाते हैं, क्योंकि सिवाय हमारी जमात हमारा मसलक हमारी किताब से ऊपर उठकर हमने क्या किया है। इससे पहले भी हमने कहा था कि जाकिर नाइक पर जब कार्रवाई हुई तो इसे अहले हदीस समझकर किनारा किया। मौला साद पर कार्रवाई और बदनामी की तो उसे तबलीगी बताया। मुफ्ती सलमान अजहरी जिन्होंने मलऊन नरसिम्हानंद को चैलेंज किया था, इन्हें बरेलवी कहकर हमने साथ नहीं दिया। आखिर अल्लाह की मदद किस बुनियाद पर तलब करते हो। जिल्लत तो तुम्हारी किस्मत का हिस्सा बन चुका है, और वैसे भी अल्लाह के दीन को किसी की जरूरत थोड़ी ना है। दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है, और जैसे कहा गया कि अल्लाह दूसरी कौम को खड़ा करेगा और वो इस्लाम के परचम को दुनिया में लहराएंगे। हमें तो मसलकों से कहां फुर्सत है। कोई भगवा गमछा पहनकर आए तो दुम दबाकर भाग जाते हो, और मसलक के इख्तलाफात में तलवारों को लेकर घरों से निकलते हो, फिर उम्मीद करते हो कि आसमान से तुम पर रहमतें नाजिल हो। लिहाजा वक्त बहुत नाजुक है, दुश्मनों की साजिशों को समझने की जरूरत है। अब तो जमात का अमीर बनने को लेकर भी झगड़े की खबर आ रही है। पहले तो तबलीगी बरेली जमात इस्लामी अहले हदीस, फिर उसमें भी दिल्ली बेंगलोर रिजवी अशरफी सलफी नदवी खानखा और भी कई हैं जिससे हमारी छोटी सोच का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक उम्मत का तस्वर जब तक नहीं आता, हमारा मुमकिन ही नहीं कि दुश्मनों के साथ कामयाब मुकाबला कर सके। मुख्तलिफ शोबों में हालात हाजरा पर तबसरों के साथ मनसूबाबंदी भी होनी चाहिए। कहने के लिए बहुत कुछ है, पर बार बार वही बातें कहना भी ठीक नहीं है। इतना जरूर है कि जो प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है, तबलीग जमात पर सऊदी हुकूमत ने पाबंदी लगाई है, अभी तक कोई आलमी मीडिया पर इसका तबसरा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा, और ना ही सऊदी हुकूमत ने खासतौर से इस जमात का जिक्र किया हो। फिलहाल फिजूल के तबसरों में वक्त गुजारने से उम्मत को कैसे जोड़ा जाए, कैसे एक परचम तले इन्हें लाया जाए, इस पर कोशिश करें, क्योंकि इसी की जरूरत आज है। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।